जी हाँ दोस्तों, अब आपके शहर मुंगेर में खुल गया है एक नया रेस्टोरेंट द मुंगेरियंस। जी हाँ दोस्तों, द मुंगेरियंस जो खुला है नवटोलिया विंदवारा JRS कॉलेज गेट नंबर 2 के सामने। मोदी जी को जय श्री राम। साथियों, इस मुंगेर की पावन वसुंधरा पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आगमन हो चुका है। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। और आज अभी मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का स्वागत मुंगेर के लोकप्रिय प्रत्याशी माननीय सांसद ललन सिंह जी कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ अंग वस्त्र और प्रतीक चिन्ह दे करके हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत माननीय सांसद ललन सिंह जी कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ अभिवादन करें साथियों, आप अपने जोरदार तालियों के साथ उनका अभिवादन करें। अब मैं स्वागत भाषण के लिए माननीय सांसद ललन सिंह को आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, शक्तिपीठ माँ चंडिका योग महानगरी और राजा कर्ण की नगरी में आपका हृदय से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और प्रधानमंत्री जी, आपको स्मृति चिन्ह अभी मैंने दिया है, उसमें माँ का जो 52 शक्ति पीठ है उसमें एक शक्ति पीठ मुंगेर में भी है जहाँ माँ का नेत्र गिरा है। आज मुंगेर की धरती से माता अपने नेत्रों के माध्यम से आपको आशीर्वचन दे रही हैं कि आपका जो 400 पार का लक्ष्य है उसको प्राप्त करिए और जिस देश से भ्रष्टाचारियों को समाप्त करके देश को विकसित राष्ट्र बनाने का काम कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मुंगेर की धरती पर आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अब बिहार प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री और प्रदेश के अध्यक्ष हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष को प्रतीक चिन्ह एवं अंग वस्त्र दे करके सम्मानित करेंगे माननीय बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी। आप सभी लोग जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। साथियों, मुंगेर की पावन वसुंधरा से ऐसी गूंज उठनी चाहिए कि पूरे बिहार में इसकी गूंज जानी चाहिए। साथियों, अब मैं आमंत्रित करती हूं बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी को, बुआएं अपनी बातों को रखें। बोलिए भारत माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, दुनिया के सबसे ताकतवर नेता और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता का मुंगेर के इस पावन धरती पर आप सभी लोग ताली बजाकर उनका स्वागत करने का काम करें। साथियों, इस मंच पर उपस्थित बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय सिन्हा जी, मुंगेर के लोकप्रिय उम्मीदवार ललन सिंह जी, बेगूसराय के लोकप्रिय उम्मीदवार और भारत सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह जी और खगड़िया के लोकप्रिय उम्मीदवार राजेश वर्मा जी, सम्मानित मंच और मंच के सामने उपस्थित तमाम साथियों, नौजवान साथियों, माता एवं बहनों, आज सिर्फ मैं एक ही आग्रह करना चाहता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को अभी उत्तर प्रदेश के भी कार्यक्रम में जाना है। मैं सिर्फ एक आग्रह करूँगा कि लोगों को कन्फ्यूजन करने का प्रयास किया जा रहा है। लोग ये कहते हैं कि संविधान खतरे में है। मैं आपके मन से माध्यम से कहना चाहता हूं, बिहार के लोग जानते हैं मोदी जी 10 साल से मोदी की गारंटी देश में चल रही है और देश में संविधान को आगे बढ़ाने वाले। और मोदी जी तो बड़ा स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि अब मोदी नहीं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी आ जाए
तो कोई संविधान नहीं बदल सकता है। लेकिन दूसरे तरफ जो लोग आरक्षण के नाम पर लोगों को गुमराह करते हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड करने का प्रयास करते हैं, उनको मैं बड़ा स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, वो सिर्फ अपने लिए जीते हैं साथियों, वो सिर्फ अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना जानते हैं, अपने बेटा को उप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, अपने दूसरे बेटा को जो अपनी पत्नी को अत्याचार करता है उसको मंत्री बनाना जानते हैं, और आजकल एक टूरिस्ट बेटी भी दूसरे देश से इस देश में आकर चुनाव लड़ने का काम कर रही है। लेकिन साथियों, हम लोगों को तय करना है, बिहार में लोकतंत्र और संविधान को बचाने वाला कोई है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। हमको एक एक वोट, यहाँ पर ललन जी बैठे हैं, आदरणीय गिरिराज जी बैठे हैं, दोनों का चुनाव 13 तारीख को है, एक एक वोट मुंगेर में तीर छाप को दीजिएगा। जैसे ही ललन जी चुनाव जीतेंगे, देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे। इसलिए सभी लोगों से आग्रह करते हुए, निवेदन करते हुए कि एक एक वोट एनडीए के प्रत्याशी को देने का काम कीजिए, जिससे मोदी जी के हाथों को मजबूत किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अब मैं खगड़िया के प्रत्याशी राजेश वर्मा जी को आग्रह करती हूँ कि वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को स्वागत करें। अब मैं महिला नारी सशक्तिकरण की मिसाल प्रधानमंत्री जी मोदी जी महिलाओं के सम्मान में सुविधा और सुरक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने नारी शक्ति बंधन के तहत हम महिलाओं को जो सम्मान दिया है, इसके लिए मैं सभी लोग उन्हें कर्तव्यधरी से सारे महिलाओं से आग्रह करती हूँ कि वो उन्हें स्वागत और सम्मान करें और हमें बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी से आग्रह करती हूँ कि वो आए और अपनी बातों को रखें। माननीय उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, श्री विजय कुमार सिन्हा जी, मुंगेर से एनडीए जनता दल यू के उम्मीदवार श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी, बेगूसराय से एनडीए भाजपा के उम्मीदवार श्री गिरिराज सिंह जी, खगड़िया से एनडीए लोजपा रामविलास के उम्मीदवार श्री राजेश वर्मा जी, यहाँ उपस्थित जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा के माननीय सांसद श्री संजय कुमार झा जी, यहाँ उपस्थित सभी माननीय विधायकगण, विधान पार्षदगण और एनडीए के सभी दलों के सम्मानित नेतागण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस पूरे कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आज जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की बात को सुनने के लिए इतनी बड़ी संख्या में आप सब उपस्थित हैं, बहन भाई सब उपस्थित हैं, मैं सबसे पहले आप लोगों का स्वागत करता हूं कि आप काफ़ी संख्या में यहां उपस्थित हैं, ये मुझे खुशी है। और आप जानते हैं उनके नेतृत्व में तो काफ़ी काम हो रहा है, पूरे देश का विकास हो रहा है और अब फिर चुनाव है, तो इस चुनाव में फिर जीतना है, तो ये सारी बातों को लेकर के आप जानते ही हैं
कि देश का काफी उन्होंने विकास किया है, बिहार को भी मदद किया है। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से धन्यवाद देता हूं। और आप जानते हैं कि यहां पर बिहार में भी हम लोग सब काम तेजी से कर रहे हैं। और आपको याद रहना चाहिए, हम लोग तो एक साथ 2005 से बिहार की सेवा करने के लिए आए, इसको याद रखिएगा। 2005 के नवंबर में हम लोग आए, काम करने लगे, लेकिन याद कीजिएगा कि उसके पहले जिसको 15 साल तक का मौका था और उसके पहले कांग्रेस को मौका था, इन लोगों ने क्या किया था आप जानते थे? शाम में घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। याद रखिए 2005 के तक जो हालत है, इसको याद रखना चाहिए। और कितना विवाद होता था, आजकल तो सब समझता है कि मुस्लिम हमारा, हम वोट लेंगे, तो कितना ज्यादा हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कराते रहते थे। तो इन सब चीजों को याद रखिए। अब पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, और बिल्कुल स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या काम होता था, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बहुत मुश्किल से एक महीने में 29 लोग इलाज के लिए जाते थे। तो अब क्या हाल था, कहीं सड़क नहीं था तो कोई तरह की चीज नहीं थी, कहीं बिजली नहीं थी। लेकिन उसके बाद जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो हम लोगों ने एक एक चीज का काम किया, कितना विकास किया। और आप जानते हैं अब पूरे राज्य में प्रेम भाईचारे का और शांति का माहौल है। और जो मुस्लिम लोग का वोट लेने का चक्कर में रहता है, आप बिना मतलब का ही लोग जो मुस्लिम लोग समझते हैं, पता नहीं क्या किसके दिमाग में क्या बात आती है। तो याद रख लीजिए कि जब पहले आप लोगों के साथ झंझट होता था, तो हम लोग जब थे 2005 में, तो 2006 में हम लोगों ने कब्रिस्तान की घेराबंदी कराई, हिंदू मुस्लिम के इलाके में रहता था, वहां करने में बड़ी दिक्कत होती थी, वहीं झंझट बहुत होता था। तो हम लोगों ने किस तरह से किया, जो उस समय 8000 से थोड़ा ज्यादा तय हुआ वो तो कर ही दिया, और अब 1000 के करीब और तय हुआ, उसको भी हम लोगों ने करना शुरू किया। तो काम तो सब हम लोग किए हैं, और सिर्फ हम लोग कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं, हिंदुओं के लिए भी 60 वर्ष से पुराने मंदिरों का घेराबंदी हम लोग कर रहे हैं। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं, हर क्षेत्र में हम लोग काम किया है, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, पुल पुलियों का निर्माण हो। और आप जानते हैं उसके बाद करते करते हम लोगों ने आगे कितना किया, हर घर बिजली पहुंचा दिया, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, ये सब काम करा दिए। पहले क्या हाल था, कुछ था, अब उसको वोट दीजिएगा, अ कमवा हम लोग किए हैं, अब वोट लेगा वो, कोई काम करता है? सब कमाई के चक्कर में है। और कितना ज्यादा काम हुआ, तो सब दिन हम लोग करते हैं, बीच में तो खैर दो बार उसको थोड़ा मौका दिया, गड़बड़ किया हम लोग हटा दिए, और हम लोग जो साथ रहे हैं वो सब दिन के लिए हम लोग साथ रहेंगे, अब कहीं कुछ नहीं होगा। और आप जानते हैं कि हम लोगों ने कितना काम कर दिया, आप जान लीजिए 2005 से लेकर के 2020 तक में 8 लाख लोगों को हम लोगों ने सरकारी नौकरी दी, और बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार भी दिया गया। और हम लोगों ने 20 में तय कर दिया, क्या कहा कि 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे और 10 लाख से ज्यादा रोजगार देंगे। और आपको मालूम है 4 लाख से ज्यादा नौकरी हो गया, 1 लाख के करीब काम पूरा होने जा रहा हो रहा है, 3 लाख का काम शुरू हो रहा है, और हम लोगों का काम अगले साल के अंत में शुरू होगा। तब तक 10 लाख तो करेंगे ही, जरूरत पड़ेगा तो उससे ज्यादा करेंगे। और आप जान लीजिए रोजगार का काम भी 5 लाख लोगों को रोजगार हो गया। तो एक एक तरह से हम लोग
न्याय के साथ विकास के सिद्धांत पर काम करते रहते हैं। तो इसीलिए याद करिए कि जो दूसरे लोग के चक्कर में, उन लोगों के चक्कर में मत रहिए, अनाप शनाप बोलता रहता है। तो इसीलिए अब मुंगेर जिला में कितना काम हुआ है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, कितना काम हुआ। मुंगेर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान, महिला ITI और सभी अन्य मंडलों में ITI की स्थापना हुई। अब एक एक काम हम लोगों ने किया है। और मुंगेर के रेल सह सड़क पुल का जो निर्माण हुआ है, आपको हम याद कराना चाहते हैं, इसका शिलान्यास तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा 26 दिसंबर 2002 को उसका शिलान्यास किया गया। अब वो काम पूरा हो गया तो कितना बड़ा काम हो गया। मुंगेर के लोगों ने रात में अपने घरों में सब कुछ दीप जलाकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। तो एक एक तरह से सारा काम सब कुछ हो रहा है। तो इसीलिए पूरे तौर पर सब काम हम लोग कह रहे हैं। और मुंगेर में मिर्चा जोगी के पुराने पथ को ठीक किया जा रहा है और ये केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। ये नए 4 लेन ग्रीन फील्ड पथ का कार्य किया जा रहा है। तो अभी तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपके सामने सब बात कहेंगे। हमने तो संक्षेप में कहा है कि हम लोग इतना काम किए हैं और केंद्र की तरफ से कितना कितना काम कर दिया। आज जो आज तक कभी कोई काम नहीं किए वही आकर के यहाँ कहते हैं, तो हम तो सब लोगों को कहेंगे कि जितना काम कर दिया है, कोई किसी के आधार पर बाएं दाएं इधर उधर कोई धंधा करने की बात करता है। अब यहाँ बताइए, यहाँ पर जो बेचारे हैं, आप यहाँ पर किसी को कैंडिडेट बना दिया, अब जो ललन बाबू जो यहाँ से हैं, अब किसको कैंडिडेट बना दिया, क्या मतलब है। सारा काम हम लोग किए हैं, आज जात के आधार पर कुछ वोट के चक्कर में है। आप जान लीजिए, जात के आधार पर एक वोट नहीं देना चाहिए, काम के आधार पर वोट देना चाहिए। और हम लोग आई, बाकी सब लोग अपने परिवार को कराता है, बाल बच्चा को कराता है। यहाँ पर आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, आप देखिए कोई बाल बच्चा को करते हैं। बिहार में भी हम लोगों को मौका मिला है, हम लोगों ने अपने परिवार को किसी को कुछ किया है, लेकिन कुछ लोग अपने परिवार को ही सब कुछ करते रहते हैं। तो याद रखिए, कभी ये सब नहीं होना चाहिए। और हम लोगों के लिए आप पूरा एक परिवार है और आप सब लोग को हम अपना परिवार मानते हैं, पूरे बिहार के लोगों को, और उनकी इज्जत करते हैं और उनकी सेवा करते हैं। तो जो कुछ भी काम होता है हम तो बराबर आते हैं, जो जरूरत पड़ता है और कराते हैं और कराते रहेंगे। और आप साथ साथ जान लीजिए कि आदरणीय हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एकदम इच्छा है, पूरे बिहार को, पूरा पूरे देश को आगे बढ़ाएंगे, पूरे बिहार की भी सेवा करेंगे। इसलिए हम तो यही चाहते हैं कि भाई मुंगेर लोकसभा से NDA जदयू के उम्मीदवार राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को जो चुनाव लड़े हैं उनको वोट देकर भारी मतों से जिताइए। और आप जान लीजिए, हम लोगों की इच्छा है कि बिहार के 40 सीट हम लोग जीतें और देश में 400 से ज़्यादा सीट जीतें, ताकि फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से देश को आगे बढ़ाएं। प्रधानमंत्री के रूप में हम लोग यही चाहते हैं। तो आप लोगों से हम यही कहने आए हैं कि भाई तब आप लोग जो आ गए हैं तो राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन जी को वोट दे करके जिताइएगा ना, हाथ उठा के बताइए, वोट दीजिएगा ना, हाँ जिताइएगा ना। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं, और वो यहां पर आए हुए हैं, वो आपके सामने सारी बात कहेंगे और पूरा देश बहुत आगे बढ़ेगा, यही हमको पूरी की पूरी उम्मीद है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत धन्यवाद। और वो यहाँ पधारे हैं इसके लिए मैं उनका नमन करता हूँ कि वे यहाँ आ गए हैं,
और अभी लगातार पूरे देश में भी जा रहे हैं, अब बिहार में भी कई जगह आ गए। बड़ी खुशी की बात है, आगे भी आते रहेंगे आप लोगों के बीच में। तो सब लोग एकदम बुलंद रहिए और खूब आगे बढ़िएगा। आप पहले कभी कोई पहन करके कपड़ा भी पहन करके चलते थे दीजी, आजकल कितना बढ़िया लग रहा है, तो आप समझ लीजिए और आगे बढ़िएगा। लेकिन गलती से उन लोगों को वोट दे करके अगर दे दीजिएगा तो निश्चित रूप से फिर बर्बाद हो जाइएगा, कुछ नहीं रहेगा। उस सब लोगों का पैसा अपने लेकर के अपने तरफ अपना काम करता रहेगा। इसलिए आपसे आग्रह है कि पूरे तौर पर एकजुट होकर के आप काम कीजिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद। बहुत